स्वामी जी आपने क्यों तकलीफ किया? मैं प्रेस कर लेता। क्यों, मैंने कर दिए तो कुछ गलत हो गया? वैसे तुम शर्माते बहुत हो। ऐसी कोई बात नहीं मामी जी। ये सबके सामने मामी जी तो ठीक है, अकेले में तुम मेरा नाम ले सकते हो। लेकिन मामी जी वो रेखा जी तो ठीक है ना? ओके ओके। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और बाहर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मामा जी। हाँ। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ सूरत जा रहा हूँ। मामा जी आज के दिन आप कैसे भूल सकते हैं? क्यों, आज कुछ खास बात है क्या? आज मामी जी का बर्थडे है। आज तुम्हारा बर्थडे है? जी हाँ, आप कहें तो डेट ही बदल दूं। मामी जी परेशान मत होइए, मामा जी को जाने दीजिए, हम लोग खूब पार्टी करेंगे ना, खूब एंजॉय करेंगे। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। I'm so sorry darling, तुम तो जानती हो ना कि काम के चलते मेरे दिमाग में कई परेशानियां रहती हैं। I'm so sorry. Happy birthday to you. Thank you. मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप काम में कितना बिजी रहते हैं। अब आप जल्दी जाइए और अपना काम निपटाकर वापस आइए, मैं वेट करूंगी। ओके, तुम एक काम करना, तुम सुमित के साथ बाहर चली जाना। सुमित तुम्हें बाहर घुमा भी लाएगा और शॉपिंग वगैरह भी करा लाएगा, इस बहाने हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। रेखा तुम्हें पता है ना, मुझे शॉपिंग वगैरह करना और ये घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम सुमित के साथ चली जाओ प्लीज। ठीक है। ओके, ये हुई ना बात, तेरी मामी बहुत नाराज है, तू एक काम करना, उन्हें तू कहीं घुमा फिरा लाना और शॉपिंग वगैरह भी करा देना। ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय बाय। मामी जी एक चाय हो जाए। मैं लेकर आती हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो सुमित? बस एक मिनट, आइए। तो एक मिनट। इसकी क्या जरूरत थी सुमित? जरूरत क्यों ना थी, आज आपका बर्थडे जो है। आज बर्थडे था तो इसलिए सोचा। जी वो मैं ड्रिंक नहीं करता। ड्रिंक तो मैं भी नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा बर्थडे है इसलिए पी लेते हैं। आज मना मत करना। Cheers. अच्छी है पर कड़वी बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे पियो। ओके। अच्छा सुमित,
एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? थी, बट अभी नहीं है। मैं समझी नहीं, तुम शर्माओ मत, मुझे बता सकते हो। एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों मूवी देखने गए थे और अचानक उसने घर जाने के बाद कॉल किया कि आज के बाद कभी कॉल मत करना। तो अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ मैं तुम्हारी मामी जी हूँ ना, लेकिन क्या आज रात हम इस बात को भुला नहीं सकते? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। ये अचानक मेरा सिर क्यों भारी होने लगा? बहुत दर्द भी कर रहा। लाओ ये गिलास मुझे दो। मेरा सर बहुत भारी होने लगा। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ यहाँ बीच में। चिंता मत करो, मैं दबा देती हूँ। क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या किया? मैंने क्या किया बोलो ना, मैंने क्या किया? कल रात को तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? देखो सुमित, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था, समझे? अब मैं मामा जी को और माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुमित, मामा जी को बताने की क्या जरूरत है? सुमित तुम अपनी बकवास बंद करो। बकवास? बकवास तो तुम कर रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और जो थी उसे तुमने छोड़ दिया, और तुम ही तो अपनी हेसिटेशन मिटाना चाहते थे ना। फिर इस सब में बुरा ही क्या है? इतने अपसेट क्यों हो रहे हो तुम? मैंने कहा बकवास बंद करो। सुमित तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुमित तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमित मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, बाहर हो जाओ दरवाजे के।